मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पे मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में भारत के संविधान में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रत्येक नागरिक को, लॉ फ्रेटर्निटी के लोगों को, एडवोकेट्स को, देश के हर नागरिक को, कब ये अस्तित्व में आया, कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स हैं, कब से ये लागू हुआ, इन सब बातों को जानना आवश्यक है। सबसे पहला जो हमारा भारत का संविधान है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 का निकला है और इसमें इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। वो काफी इंपॉर्टेंट आदमी थे और उन्होंने मेहनत करके इसको लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो जो अच्छे प्रोविजन थे पिक एंड चूज करके अपने भारत के संविधान में लिए। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था। इनमें कुल जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स में था, 8 शेड्यूल है। इसके अलावा टोटल 1,45,000 वर्ड्स थे अस्तित्व में। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सभी देशों में सबसे ज्यादा बड़ा लिखित संविधान है। फर्स्ट इसके चेयरमैन जैसा बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। इसके अलावा इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल समय बनाने में लगा था। तत्समय यानी उस समय में 6,30,00,000 रुपए इस पर खर्चा आया था। ये 24 जनवरी 1950 को सभी कमेटी के मेंबर्स ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन ये अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है। इन दो इमरजेंसी में भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 20 में एक्सपोज फैक्टो लॉ वगैरह के बारे में बताया गया। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी प्रीएम्बल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स का इसमें बतलाया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स मैं इंपॉर्टेंट केवल बता रहा हूँ। इसमें कल्चर राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन है, राइट टू प्रॉपर्टी है। ये सब राइट्स बताए गए हैं। यदि किसी भी राइट का कोई इंफ्रिंजमेंट होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, अतिलंघन होता है, तो इसके लिए हमारे जो हाईकोर्ट्स हैं सभी राज्यों के, उनके हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट्स जो दी गई हैं, जैसे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सरश्यूरा है, क्वा वालेंटो है, इन रेट्स के द्वारा उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इन रिटों में व्यक्ति जाकर अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार की मांग कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज तक 2022 तक 105 टोटल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसके अलावा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डिफरेंट नेशंस के, कनाडा, आयरिश, यूएस, यूके, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रावधानों का अध्ययन किया और ये अपना भारत का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और बनाया है, जो सभी लॉज इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं। अन्यथा इसकी मूल भावना किसी भी तरह से आहत नहीं होनी चाहिए, इसकी स्प्रिट को लेकर ही अन्य लॉज बनाए जाते हैं। जहां तक 42वें संशोधन का प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ये उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी को बतलाया गया है। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों को बतलाया गया है। इसी के लिए हम अपने जितने भी राज्य के माननीय उच्च न्यायालय हैं उनके समक्ष आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट फाइल करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट फाइल हो सकती है। राइट ऑफ टू रिलीजन फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 तक बतलाए गए हैं। इमरजेंसी आदि के भी प्रोविजन बताए गए हैं
और इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 जैसा कि मैंने बताया, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज तथा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 में है। इसके अलावा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन है, अभी राइट टू बी फॉरगॉटन वगैरह का भी प्रोविजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिया है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि प्रत्येक नागरिक, लॉ फ्रेटर्निटी के लोग, इंडिया तथा एडवोकेट्स आदि को बेसिक जानकारी होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, वीडियोस, लीगल इन्फॉर्मेशंस आपको तत्काल प्राप्त होती रहे। और आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, साथियों, समाज के लोगों को अधिकतम लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।